स्मृति ईरानी कथक डांस करते हुए, कैबरे डांस करते हुए झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। अमित शाह झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आरएसएस बैकफुट पे खड़ा है। गुजरात में इनकी हालत खराब है, वेस्ट बंगाल में इनकी हालत खराब है, पूरे देश में हालत खराब है। आरएसएस ने इस देश को नरक बना दिया है। मोहन भागवत ब्राह्मण नहीं है, वो तो यहूदी है। मोहन भागवत नॉट हिंदू, नॉट सनातन धर्म के मानने वाले। अरे ब्राह्मणों को जितना ही काट रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर बने या भाड़ में जा, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। कहीं कुछ नहीं, हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। आपके ऊपर, मेरे ऊपर, उनके ऊपर कम से कम 5 लाख रुपया का कर्जा है। मैं हिंदू हूँ ही नहीं, नकली असली का क्या मतलब? हमारा धर्म सनातन धर्म। आरएसएस विरोधी हूँ, बीजेपी विरोधी हूँ, देश के गद्दारों का विरोधी हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इतना ज्यादा बैकफुट पे बीजेपी आ गई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये अंग्रेजों के दल्ले, अंग्रेजों के चाटुकार, स्वतंत्रता आंदोलन के घोर विरोधी, हाफ कच्छाधारी हाफ नेकरधारी आरएसएस की ये मंशा है कि इस देश में दंगे फसाद हों, हिंदू मरे या मुसलमान मरे या सिख मरे या ईसाई मरे, लेकिन मरे तो मरे, लेकिन सत्ता हमारी हो। मोदी सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको बता करके जनता के बीच शांति का माहौल बनाते हुए ये वोट मांग सकें। आप कह रहे हैं बैकफुट पे चलेगी बीजेपी, हमें लगता है मजबूत हो गई है बीजेपी यात्रा से जब से। भाई साहब आपकी गलतफहमी है। स्मृति ईरानी कथक डांस करते हुए, कैबरे डांस करते हुए झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। अमित शाह झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आरएसएस बैकफुट पे खड़ा है। गुजरात में इनकी हालत खराब है, वेस्ट बंगाल में इनकी हालत खराब है, पूरे देश में हालत खराब है। 2024 आते आते इस देश में को बीजेपी और आरएसएस मिल करके झोकरे का काम करने के लिए एकदम विकास कर रहे हैं। विकास वो दंगा नहीं कर रहे। विकास किस बात का हो रहा है? चाइना आज भारत की तमाम सीमाओं का शोषण करते जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री घुटने के बल बैठे हुए हैं, एक आवाज नहीं उठाते। सनातन धर्म का इतना बड़ा विरोधी आदमी, ब्राह्मणों का इतना बड़ा विरोधी आदमी, इन आरएसएस वाले ब्राह्मण विरोधी हैं मोदी जी, तो फिर ब्राह्मण वोट क्यों दे रहे हैं मोदी जी को? जो कायर बण शंकर ब्राह्मण है वोट दे रहे हैं, सनातन धर्म का कोई नहीं दे रहा। भारत के आखिरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य, सनातन धर्म के पुरोधा का इन्होंने अपमान किया है। एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी मरी है तो भारत में शोक मनाया गया और झंडे झुका दिए गए, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मौतों उपरांत भाजपा में खुशी मनाई जा रही थी। इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं हो सकता। वो तो सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं आप। ये सनातन धर्म के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई है तो आरएसएस है। आरएसएस ने इस देश को नरक बना दिया है। मोहन भागवत ब्राह्मण नहीं है, वो तो यहूदी है। ब्राह्मण हमेशा शांति का प्रतीक होता है। ब्राह्मण अपने देश के लिए मरता है। ब्राह्मण समाज में भाईचारा चाहता है, अशांति ब्राह्मण नहीं चाहता है। राष्ट्रवादी है मोहन भागवत। मोहन भागवत देशद्रोही है। मोहन भागवत नॉट हिंदू, नॉट सनातन धर्म के मानने वाले। ओनली फॉर इजराइल के इशारे पर सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं वो। मैं सर्टिफिकेट, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, बांटने लगे सर्टिफिकेट। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, हमको क्या सर्टिफिकेट देंगे बीजेपी वाले और संघ वाले? आप भी जातिवाद फैला रहे हो देश में। मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सनातन धर्म नफरत की भाषा नहीं सिखलाता है। ये भाजपा जो है और ये संघ आरएसएस, भाजपा प्यार बांट रही है देश में, सबका साथ मिलाकर चल रही है। देखिए तो ये बताइए, बंगाल में
बीजेपी का झंडा लेकर पुलिस वालों की कुटाई और पुलिस वैन और तमाम जगह का अशांति का माहौल राहुल गांधी खड़ा किए थे। वह असामाजिक तत्व होंगे बीजेपी के। यहाँ जितने बलात्कारी मिलते हैं बीजेपी के मिलते हैं, जितने दुराचारी मिलते हैं बीजेपी के मिलते हैं, जितने ISI के एजेंट मिलते हैं, चाइना के एजेंट मिलते हैं, उस RSS से हैं। आज तक सारी गलतियां बीजेपी में खत्म आप होते जा रहे हो, कांग्रेस खत्म हो रही है। अब इस देश की जनता को ये समझ में आने लगा है कि गलत कौन है और सही कौन है। आप देख लीजिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जनता जनार्दन, भारतीय जनमानस खुद ब खुद 60,000, 70,000, 80,000 की संख्या में पैदल चल रहा है। ये बुलाए नहीं गए हैं, जनता खुद इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई है मोदी सरकार से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो तो सुरक्षा कर रहे हैं राहुल गांधी की, वो क्यों रहा? कोई नहीं, ये झूठ बोल करके 41,000 की शर्ट पहने, 45,000 की टी शर्ट, जूते, मोजे, उसके बाद कच्छे पहेंगे, उसके बाद अंडर बनियान पहेंगे, कुछ भी आरोप लगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि स्वामी विवेकानंद के उन्होंने भोजन नहीं किया, परिणाम नहीं किया। अरे उसके मुख पे काली पोत दिया गया है कि सर्वप्रथम 7 सितंबर को पहले स्वामी विवेकानंद मेमोरियल ट्रस्ट में जाकर के परिक्रमा करके माल्यार्पण करके पूजा अर्चना करके और स्वामी विवेकानंद का पूजा अर्चना करके उसके बाद चले, इस आंधी को नहीं दिखाई देता। बीजेपी ने स्मृति ईरानी के इस बयान से किनारा कर लिया है, काहे नहीं करेगा? बीजेपी की छीछा लेदर हो रही है। 10 लाख का सूट पहनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चाय बेचने वाला जो कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सत्य है। केस हो सकता है आपके ऊपर? अरे कौन सा करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे। आहत हो रही है आपको पता है? किसकी भावनाएं आहत हो रही है? किसकी भावना है? जो उनकी भावनाओं पे आप लोगों को नहीं कि जो बेरोजगार नौजवान है, आए दिन हमारे देश का बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, आए दिन इस देश में हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा, प्राइवेट पार्ट पे लात मारा है पुलिस वालों ने। आप भी तो ब्राह्मण है, आप क्या कर रहे हैं? योगी सरकार, अरे ब्राह्मणों को जितना ही काट रहे हैं, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, यही कह रहे थे ब्राह्मण बना रहे हैं, वो तुम तो कहते ही हो बस, वो बना के दिखा रहे हैं। राम मंदिर बने या भाड़ में जा, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चाहिए, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। 5वें नंबर की होगी पूरी दुनिया की, कहीं कुछ नहीं, हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर, उनके ऊपर। कम से कम 5 लाख रुपया का कर्जा है, आप विदेशी है, 5 लाख। दुनिया देख रही है भारत की तरफ, अरे कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। जब जिस देश का प्रधानमंत्री बकलोल हो तो दुनिया जोकर देखे है, नाच होती है ना। 5वीं अर्थव्यवस्था वैसे ही बन गई दुनिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जानते हैं 3रे नंबर के रईस गौतम अडानी जो इनको सप्लाई करते हैं पैसा उछा सब कुछ। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, भारत के नागरिक है, देखिए भारत के नागरिक हमारे बैंक कंगाल हो रहे हैं, भारत के नागरिक हैं ये। किस बात के नागरिक हैं बताइए हमको? दुनिया के 3रे नंबर के अमीर हो गए, देखिए। अरे 3रे नंबर के अमीर हो गए हमारे आपके पैसे से? अच्छा, बैंक में किसका पैसा है? मोहन भागवत का है, मोदी का है, अमित शाह का है। देखिए अब ज्ञानवापी पे फैसला आएगा है। अरे ज्ञानवापी पे फैसला इसके सिवा और क्या है जो कह रहा हूँ? हिंदू खुश हो रहे हैं फैसला जो आया है। अरे हिंदू खुश नहीं हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। अरे जो नपुंसक हिंदू हैं वो खुश हो रहे हैं। अच्छा, आप खुश नहीं है उस फैसले से? ना, कुछ नहीं। क्यों खुश नहीं है? कुछ नहीं। क्यों? कोर्ट ने देखिए कैसे, कोर्ट ने गलत निर्णय लिया है, न्यायपालिका भी, आप कोर्ट से ऊपर हैं, न्यायपालिका भी अब विश्वसनीय नहीं रह गई है। अरे जिस देश की न्यायपालिका पेगासस पर फैसला नहीं दे सकती है, जिस देश की न्यायपालिका बिल्किस बानो के बलात्कारियों के ऊपर फैसला नहीं दे सकती है, उस न्यायपालिका से क्या हिसाब कर सकते हैं? फैसला आपके पक्ष में जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक। ये बताइए कांग्रेसियों ने कितना आंदोलन करा बिल्किस बानो के लिए? क्यों नहीं, बार बार आंदोलन कर रहे हमारे राहुल गांधी। राहुल गांधी यात्रा किस लिए कर रहे हैं कि देश वालों के लिए? अरे आप सुनते तो जाओ, भारत जोड़ो हमारे देश के नौजवान हथियार। राहुल को लॉन्च कर रहे हो? राहुल को लॉन्च नहीं कर रहे, राहुल को देख करके गोदी मीडिया के पत्रकार
बौखलिया गए हैं, पगला गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, मानसिक संतुलन खराब हो गया। जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं उन्हीं से मिलते हैं राहुल गांधी। सुनिए, हिंदू धर्म कोई होता नहीं है, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं होता है। हिंदू धर्म ही नहीं है? नहीं, आप हमको कहीं दिखा दीजिए, कहीं लिखा राष्ट्र जो बन रहा है वो गलत है। हिंदू राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, हम मनुवादी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप भी तो मनुवादी हैं। कौन कहता मैं मनुवादी हूँ? और मनुवादी नहीं है। कौन कहता मैं मनुवादी हूँ? कहाँ सबके लिए आवाज उठाते हैं आप? क्यों नहीं उठाते हैं? आप भी तो धर्म जाति देखते हैं। अरे धर्म जाति देखते हैं? हमारा सनातन धर्म है, हम उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता है कि हम किसी से विद्वान रखें। हाँ। सनातन धर्म? हाँ, ये सनातनी नहीं है। और जो बोल रहे हैं ये कौन? ये बीजेपी वाले सनातनी नहीं है। सनातनी है तो हिंदू हैं सब। हाँ, हम हिंदू नहीं है। अच्छा। हमारा धर्म सनातन है। अच्छा। मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन। आप नकली हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ ही नहीं। नकली असली का क्या मतलब? हमारा धर्म सनातन धर्म हिंदू विरोधी है। मैं भारत विरोधी नहीं हूँ, आरएसएस विरोधी हूँ, बीजेपी विरोधी हूँ, देश के गद्दारों का विरोधी हूँ। विरोधी क्यों है आप? आरएसएस में क्या क्या गलत? आरएसएस इस देश का पहला आतंकवादी नासूराम गोडसे पैदा किया, स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। नासूराम गोडसे के मंदिर बनने हैं। अरे मंदिर बनावे होती है, मंदिर बनावे, कबर बनावे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। नाथूराम गोडसे के नाम पर मोदी जैसे नेता नहीं मिलेगा आपको कभी। मोदी कायर है, कायर कायर। सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं का? एकदम ऐसे बकलोल और जोकर बार बार मिलते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे बोलोगे आप? कौन सा बोलोगे? कौन सा अपशब्द बोलोगे? कौन सा अपशब्द बोला हूँ? कायर बोला हूँ। अच्छा, 56 इंच की छाती बकलो, अरे चूहे की छाती है, चूहे की। पूरे दुनिया दिखा के टाइट कर दिया चाइना। किसको? चाइना को? पाकिस्तान टाइट। अरे आज जरूर अरुणाचल चले जाइए, ये घुटने टेक देते हैं। चौहान ने कहा उनके बिना दुनिया चल नहीं सकती। कौन? मोदी जी के बिना। कौन कहा है? चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान की खुद कुर्सी मुख्यमंत्री 10 दिन में हट जाएंगे। उस 10 दिन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लिखने लगेंगे, आउ तो जाएगा जेल। उतना बड़ा भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, उतना बड़ा घोटालेबाज मुख्यमंत्री उत्तर। तुम ही हो सब कुछ शुद्ध, तुम ही हो। तुमने कोई घोटाले नहीं किए? मैंने नहीं किया। जेल में तुम्हारे नेता है, आरोप उन पे लगता है। कौन सा? किसके? अरे आपके पल लगते हैं। तड़ी पार राहुल गांधी हुए थे।